आज ये प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी, आज पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी का 95वां जन्मदिन है जी। उस अवसर पर हमारा जो ये सृजन सम्मान समारोह होता है और काव्य समारोह वो आयोजित हो रहा है जी। कि 84वां सृजन सम्मान समारोह है, 84 महीने लगातार हो चुके हैं, यानी 7 साल आज हमने पूरे किए हैं इस सृजन सम्मान को लगातार हर महीने करते हुए। आज घनानंद मेघ जी को सृजन सम्मान और वर्षा श्रीवास्तव को सृजन युवा रचनाकार सम्मान दिया गया है। ये सम्मान बहुत ही प्रतिष्ठित है और पूरे भारतवर्ष के साहित्यकारों को बुलाकर दिया जाता है, एक युवा रचनाकार को और एक वरिष्ठ रचनाकार को। अभी तक आप समझ लीजिए कि हम 84 × 2 तो 168 लोगों को जी हम सम्मानित कर चुके हैं अब तक पूरे। ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर यूपी? ऑल ओवर इंडिया। मैं सर्वेश अस्थाना हूँ, इसका संस्थापक हूँ। ये यूपी प्रेस क्लब का कार्यक्रम है लेकिन इसका संस्थापक मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर यूपी प्रेस क्लब में कल्चरल एक्टिविटीज़ का मैं एडवाइज़र हूँ यहाँ का। तो ये सृजन कार्यक्रम हम करते हैं। इसको मुख्य अतिथि में कौन रहे हैं आपके वहाँ? मुख्य अतिथि इसमें साहित्यकार ही होते हैं। तो आज जैसे हमारे मुख्य अतिथि में श्री घनानंद मेघ जी थे जी। उनको सम्मानित भी किया गया, वो मुख्य अतिथि भी थे। अध्यक्षता श्री मुकुल महान कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे संस्थापक सुशील दुबे जी थे जी। तो इसी प्रकार से साहित्यकार ही इसमें आमंत्रित होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल लोग इसमें थोड़ा कम। नए साल के उपलक्ष्य में आप क्या बधाइयां देना चाहेंगे अपने ग्रुप को, सभी को? चाहता हूं पूरे दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से और आपके द्वारा, कि नववर्ष में नव हर्ष हो, उत्साह हो, उत्कर्ष हो, सद्भाव की गंगा बहे, सबको सुखद यह वर्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना आप सबको नए साल की पुनः पुनः बधाई देता हूँ और इस सृजन सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। थैंक यू।